140 करोड़ देशवासी आज स्तब्ध हैं। खेल इतिहास के लिए, हिंदुस्तान के खेल इतिहास के लिए ये ब्लैक डे है। ये एक बहुत बड़ा नफरती षड्यंत्र है इस देश की बेटी, हरियाणा की बेटी विनेश फोगाट के खिलाफ। पहले कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह, जो मोदी जी के चहेते सांसद हैं, उन्होंने शारीरिक तौर से और मानसिक तौर से विनेश फोगाट को प्रताड़ा। उसके बाद दिल्ली की सड़कों पर जंतर मंतर तक 140 दिन तक संघर्ष करने के बाद दिल्ली पुलिस से भाजपाइयों ने उसे घसीटवाया। उसके बाद भाजपा सरकार ने देश की उसी बेटी पर FIR दर्ज करवाया। इन सब बातों के बावजूद भी हमारी बेटी विनेश फोगाट ने ना धैर्य खोया ना शौर्य खोया, बल्कि हिंदुस्तान का तिरंगा ओलंपिक में लहरवाया। और अब तिरंगा फहराने के बाद एक षड्यंत्र के तहत उसे डिसक्वालिफाई करवाया। सवाल बड़े सीधे हैं देश के, कौन है जिसे विनेश फोगाट की जीत हजम नहीं हुई? नंबर दो, किसने हरियाणा और देश की बेटी की पीठ में छुरा घोंपा? नंबर तीन, किसने ताकत का बेजा इस्तेमाल किया? नंबर चार, किसका चेहरा बचाने के लिए ये पूरी साजिश हुई? इन बातों का जवाब तो चाहिए। जो बेटी तीन तीन अंतर्राष्ट्रीय अजय पहलवानों को एक दिन में हराती है, उसका वजन 100 ग्राम कैसे बढ़ जाता है, जबकि बाउट से पहले बाकायदा वजन किया जाता है, और बाउट के बाद तो वजन घटना चाहिए, बढ़ा कैसे, और वो भी 100 ग्राम? और हिंदुस्तान की सरकार कहां है? देश के खेल मंत्री कहां है? देश के प्रधानमंत्री कहां है? वो बेटी के साथ खड़े क्यों नहीं हुए? केवल उसे कंसोलेशन कहकर खत्म कर देना ये सही है? ये षड्यंत्र का चक्रव्यूह टूट कर रहेगा और असली चेहरे अवश्य बेनकाब होंगे। हम विनेश फोगाट को पूरे देश की ओर से कहना चाहेंगे कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो भारत की बिटिया रानी थी, हमारे लिए तो वो ओलंपिक मेडल विनर थी, है और रहेगी। उसने ये साबित कर दिया कि हिमालय के आसमान में भी छेद हो सकता है, और हिमालय की पर्वत जो है उसको पैरों तले तिरंगे के आगे झुकाया जा सकता है। कोई सवाल आप पूछना चाहें?